वेलकम टू देव एमटीआर। फाइनली आज आपके सामने हाजिर है 2023 की न्यूली लॉन्च होंडा की SP160 का ABS ब्लैक कलर बेस मॉडल। टोटल 6 कलर में कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, माइलेज कितना देती है, डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या है दोनों वेरिएंट की। सबसे पहले बॉडी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो ये देखने में हूबहू SP125 का जैसा यहाँ पर लुक प्रोवाइड किया गया है। साइड बॉडी पैनल के ऊपर में देखेंगे तो एसपी का यहाँ पर 3D क्रोम में लोगो दिया गया और काउल के ऊपर में 160 का स्टिकर दिया गया है, जैसा कि 160 सीसी वाली बाइक है। ऊपर में सिल्वर कलर और ग्रे कलर के काफी शानदार ग्राफिक्स मिलते हैं, लेकिन ये जो काउल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं काफी ज्यादा चौड़ा है, काफी एरोडायनामिक है और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक कलर, नीचे में कोई भी कलर कोटिंग आपको नहीं मिलेगी। टोटल फाइबर बॉडी का ही यहाँ पर आपको यूज मिलेगा, लेकिन ये जो फ्यूल टैंक का काउल है यहाँ पर होंडा का क्रोम में 3D में लोगो है। ऊपर में सिल्वर कलर और ग्रे कलर के यहाँ पर आपको ग्राफिक्स का पूरा सेटअप मिल जाता है। सेंटर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कोई भी आपको कलर कोटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा एयरवेंट टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है। बाइक का जो टैंक है वो आपको डुअल टोन कलर में मिलेगा, जिसमें सेंटर में ग्रे कलर आपको मिलेगा। इसमें अब आपको E20 OBD2 का भी अपडेट हो चुका है, हालांकि एक नई बाइक है। पेट्रोल टंकी आपको 12 लीटर की मिलती है। टोटल जो पेट्रोल टंकी है वो आपको फाइबर बॉडी की मिलेगी, कहीं भी आपको मेटल नहीं मिलेगा। चाबी यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग के साथ मिलती है, लेकिन इस बाइक में एक चीज मुझे अच्छी लगी वो ये है कि भाई बारिश के मौसम में अगर आप बाइक को बाहर खड़ी करते हैं तो अगर यहाँ पर साइड में अंदर में पानी चला जाता है तो यहाँ पर एक होल दिया गया और उसी होल के थ्रू जो है वो पानी डायरेक्ट जो है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, जिससे पेट्रोल टंकी में मतलब पेट्रोल के साथ जो है वो पानी का मिक्स होने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। सबसे पहले चाबी को मैं कंसोल में लगा देता हूं तो बाइक की जो हैंडल बार आप देख रहे हैं ये नॉर्मल आपको मिल जाती है, लेकिन ये जो हैंडल बार है ना ये काफी ज्यादा ऊंची दी गई है, जिससे आप लॉन्ग राइड करें तो आपको जो है वो बाइक चलाते समय शरीर को झुकाने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत ना पड़े। आप देख भी सकते हैं थोड़ी सी पीछे है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, तो लॉन्ग राइड में काफी कंफर्टेबल होने वाली। यहां पर आपको हैजार्ड का भी स्विच मिलता है, इंजन किल, सेल्फ स्टार्ट। इस बाइक में आपको मिलता है एडवांस डिजिटल कलर डिस्प्ले का पूरा सेटअप और ऊपर में आप देखेंगे तो यहां पर वोल्टेज मीटर मिल जाता है, साइड स्टैंड की वार्निंग, स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, ओडोमीटर, ट्रिमीटर आपको मिल जाता है, यहां पर घड़ी भी मिल जाती है, यहां पर आपको गियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है कौन से गियर में चल रही है, फ्यूल गेज आपको मिल जाता है, आरपीएम मीटर आपको मिल जाता है, बाकी ऊपर में टर्न इंडिकेटर, एबीएस की लाइट आपको मिल जाती है और इसमें आपको चेक इंजन की मतलब कि माल फंक्शन की लाइट आपको मिलती है, हेडलाइट की वार्निंग, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और टर्न इंडिकेटर की वार्निंग की लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है। ये वही वाला मीटर है जो मोस्टली आपको होंडा बिग विंग की सभी बाइक में दिया जाता है। और दूसरा इसमें आपको रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है कि बाइक आपकी जिस भी स्पीड में चल रही है, तो आप देख भी पाएंगे कि बाइक आपकी इतना माइलेज निकाल कर दे रही है। बट मोटा मोटी मैं माइलेज की बात करूं तो भाई 45 से 50 के बीच में ये बाइक आपको आसानी से हाईवे पर माइलेज दे सकती है। और ये जो कंसोल का आगे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा स्पेसियस है और इस बाइक में आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बाइक के जो साइड मिरर आप देख रहे हैं ये वही एक्टिवा वाले ही नॉर्मल से इसमें दिए गए। यहाँ पर आपको पासिंग का बटन मिल जाता है, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न। यहाँ पर आपको जो क्लच है वो भी काफ़ी लाइट है। प्लास्टिक बॉडी के यहाँ पर आपको बार एंड मिलते हैं। सबसे पहले इंजन और एग्जॉस्ट के साउंड को सुने। देखा जाए तो इंजन काफी रिफाइन है और यही इंजन आपको मिलता था इनकी होंडा की एक्स ब्लेड में और यूनिकॉर्न बाइक में। सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो सीट काफी लंबी चौड़ी आपको मिल जाती है, 2 पोजीशन वाली, और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा मुलायम नहीं है। 796 mm की यहाँ पर आपको सीट हाइट मिल जाती है। तो अभी हम चलते हैं बाइक के फ्रंट की तरफ, सबसे पहले बाइक को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके जो इंडिकेटर है वो आपको नॉन फ्लेक्सिबल मिलते हैं, जो कि हैलोजन में है। और बाइक का जो पूरा का पूरा जो फ्रंट है वो SP125 जैसा ही लगेगा। ऊपर का जो वाइजर है ये भी आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में होंडा की ब्रांडिंग है। सेंटर में LED की ब्रांडिंग दी गई है और ऊपर में आपको लो बीम और नीचे में आपको हाई बीम का LED का पूरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। बाकी साइड में कोई भी ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका जो फ्रंट है वो SP125 से देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा साइज में भी बड़ा है। और जो आगे वाला इसका जो मडगार्ड है ये बीच में से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा किया गया, जो कि इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे सके। साथ में आपको सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाएगा बाइक में, 276 mm डायमीटर की डिस्क आपको मिल जाएगी और यहाँ पर ABS की प्लेट दी गई। निशन के यहाँ पर आपको कैलिपर मिल जाते हैं। आगे में 8017 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, साथ में 17 इंच का ग्रे कलर का एलॉय व्हील दिया गया। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ब्लैक कलर की
फॉर्क के साथ। बाकी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लास्टिक से इसको कवर किया गया, जिसमें कोई भी छेड़खानी जो है वो वायरिंग से ना कर पाए। बाकी जो फिटिंग फिनिश आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर मेरे को देखने में प्रतीत हो रही है। पीछे की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पर आपको सिंगल पीस ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है। बाकी जो टेल लाइट है ये पीछे से काफ़ी ज़्यादा नुकीली है और LED वाली पूरी की पूरी टेल लाइट आपको मिल जाती है, जो देखने में थोड़ी सी M या फिर H को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीछे में हेलोजन वाले इंडिकेटर है, नीचे में रिफ्लेक्टर है, ऊपर में होंडा की ब्रांडिंग दी गई है और पीछे का जो मडगार्ड है ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। सबसे पहले इंजन को मैं बंद कर देता हूँ। अभी हम चलते हैं बाइक के इंजन की तरफ जो कि इसका मेन पार्ट है। यहाँ पर आपको किक और सेल्फ दोनों ही चीज़ें बाइक में देखने को मिलेंगी। और दूसरा ये है कि भाई अच्छा काम ये किया है कि यहाँ पर अब आपको इंजन गार्ड मिलता है, वो भी प्लास्टिक का नहीं मेटल बॉडी का। यहाँ पर होंडा ने इंजन गार्ड दिया है जो कि इसका एक प्लस पॉइंट तो मेरे हिसाब से बन जाता है। और दूसरा 177 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है और होंडा की ब्रांडिंग है। और जो फुटपैक्स आप देख रहे हैं ये बिना स्प्रिंग के दिए गए हैं जो कि पूरे के पूरे फोल्डेबल हैं, थोड़े से ऊपर की तरफ भी इनको किया गया है। और ये है इसका स्पार्क प्लग, यहाँ पर आपको मिलता है एयर कूल्ड वाला इंजन, इसमें दिया है 162.71 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रॉक BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो 13.46 PS की पावर देता है 7500 RPM पर और 14.58 NM का टॉर्क जनरेट करता है 5500 RPM पर। ये वही वाला इंजन है जो होंडा की यूनिकॉर्न 160 cc में दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो भाई इसमें जो पावर है वो थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है और काफ़ी ज़्यादा ऊँचा भी है। पीछे में मेटल और यहाँ पर बड़ी सी क्रोम की एक मफलर गार्ड को शामिल किया गया है। पीछे में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटपैक्स आपको मिल जाते हैं और अच्छी बात यह है कि भाई इसमें आपको पीछे में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि पूरी तरह से एडजस्टेबल है। और यहाँ पर आपको एक मड फ्लैप भी मिल जाता है। पीछे वाला जो टायर है वो आपको 130/70/17 प्रोफाइल का आपको मिल जाता है। 130 mm ये चौड़ा टायर है जिसकी वजह से बाइक में काफ़ी स्पोर्टी लुक आपको फील होगा। पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक है जैसा कि ये बेस मॉडल आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें आपको MRF कंपनी के टायर आपको मिल जाते हैं। 130 mm चौड़ा ये टायर आप देख रहे हैं, 2061 mm की इसकी लंबाई है, 1113 mm की इसकी हाइट है और 139 किलोग्राम का इसका कर्व वेट है। यहाँ पर SP का 3D में लोगो है, 160 का स्टिकर है और यहाँ पर होंडा का क्रोम में 3D में लोगो दिया गया है। बाकी अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको लेडी प्लेन के लिए सपोर्ट आपको मिल जाता है साड़ी गार्ड में पैर रखने के लिए। और दूसरा यहाँ पर आपको जो चेनसेट कवर मिलता है ये ओपन दिया गया है, बॉक्स वाला यहाँ पर आपको श्विंगार मिल जाता है। सबसे अच्छी खासियत ये है चेन एडजस्टर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है और नीचे में चेन के लिए सपोर्ट भी दिया गया। अच्छी बात यह है कि भाई इसका जो चेन आप देख रहे हैं ना ये अलग ही डिजाइन की चेन है, मतलब ये लो मेंटेनेंस वाली चेन है और इसको कम से कम आप 4800 या 4500 किलोमीटर चला सकते हैं, उससे पहले ये गंदी नहीं होने वाली है। बहुत जल्दी ये जो है वो डस्ट वगैरह नहीं पकड़ती है। और गियर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 5-स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप आपको मिल जाएगा, जैसा कि यहां पर आप देख भी सकते हैं 5 गियर आपको मिल जाएंगे। साइड स्टैंड जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा है, साथ में इसमें जो है वो साइड स्टैंड इंजन गडअप सेंसर का भी फीचर्स यहां पर दिया गया है। जैसा कि साइड स्टैंड इसका डाउन है, यहाँ पर आप वार्निंग को भी देख सकते हैं डिस्प्ले में। सबसे पहले इंजन को मैं ऑन कर देता हूँ, जैसे ही मैं क्लच को डाल के गियर को डालता हूँ इंजन इसका तुरंत बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से। तो प्राइस की बात करें तो होंडा SP160 ड्रम ब्रेक OBD2 की एक्स शोरूम कीमत है 1,17,500 रुपये, ऑन रोड कीमत है इस बाइक की 1,42,852 रुपये, 1,42,852 रुपीज़। और इसी के बगल में खड़ी है होंडा SP160 डुअल डिस्क टॉप मॉडल, इसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,21,900 रुपये, ऑन रोड कीमत है इस बाली की 1,47,742 रुपये। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है Cloud9 होंडा टू व्हीलर शोरूम मध्यमग्राम जयसुर रोड कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी का नाम कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।